बदायूं का सहसवान विधानसभा मुख्यतः कृषि प्रधान इलाका है, लेकिन यहां किसानों की स्थिति अच्छी नहीं है। सहसवान के नेताओं के वादों का रिपोर्ट कार्ड लेने पहुंची हमारी टीम का सबसे पहले सामना किसानों से ही हुआ। सहसवान में किसानों की स्थिति ये है कि उनके पास सिंचाई का साधन तक नहीं है। यहाँ एक सरकारी ट्यूबवेल है, उस पर भी हमें ताला लगा हुआ दिखाई दिया। कुछ किसानों ने अपना खुद का ट्यूबवेल भी लगवाया है, लेकिन घटते जल स्तर के कारण कुछ ही दिन में वो भी बेकार हो जाता है। सर, सबसे लंबी दिक्कत तो वाटर लेवल नीचे चला जा रहा है, जिससे पानी की समस्या बहुत ज्यादा है। सरकारी ट्यूबवेल है, मान लो एक ग्राम पंचायत एक पड़ता है, उससे पूरी भराई नहीं हो पाती, वो भी बंद पड़े हैं। आजकल लाइट नहीं आ रही, आंधी आ जाती है, लाइन खराब हो जाती है, लाइट बंद है। 24 घंटे में 18 घंटे कह रहे थे, यहाँ 5-6 घंटे लाइट चल रही है। पानी की समस्या है सबसे ज़्यादा, और पानी ये सरकारी ट्यूबवेल है वो भी ख़त्म है। क्यों? पानी नहीं है तो वो तो ख़त्म तो होंगे ही ना। पानी की दिक्कत है बहुत लंबी, सूखा की वजह से हर बोरिंग पानी छोड़ने को तैयार है, छोड़ ही रहा है, छोड़ने तैयार नहीं। अगर एक बार ये महावा खुल जाए तो इससे पूरे बदायूं जिले का वाटर लेवल एक साल में हर साल 2 महीने को खुल जाए तो पूरे बदायूं जिले का वाटर लेवल खुल। सबसे ज़्यादा समस्या पानी की है, और यहाँ इतने नदी नाले जो भी हैं वो बंद हैं, सब सूखा में आ गए, और इसीलिए सूखा है यहाँ। तो ना तो नदी नाले चल रहे होते, कोई समस्या ना होती है। सहसवान विधानसभा की दूसरी सबसे बड़ी समस्या है क्राइम की। लोगों ने बताया कि लगातार बढ़ रहे क्राइम के ग्राफ के चलते सड़कों पर निकलने में भी डर लगने लगा है। इतना ही नहीं, लोगों का ये भी आरोप है कि सब कुछ जानते हुए भी पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती। क्राइम बहुत है यहाँ पर सर, और यहाँ लूटपाट बहुत है, यहाँ कोई पुलिस भी कुछ नहीं कर रही है। जब लूटपाट हो जाती है उसके बाद पुलिस आती है। अभी भी बीच में यहाँ क्राइम हुआ था, यहाँ लूट लिया था सुनार के लिए, इस तरह की घटना होती रहती है यहाँ पर। क्राइम के जो इस समय हालात हैं वो बहुत बदतर हैं। इस समय जो रात दिन है, लोगों का आम जनता का जो है वो निकलना इस समय बड़ा मुश्किल सा हो रहा है, क्राइम बढ़ता जा रहा है। जैसे किसी को लूट लिया, किसी से पैसे छीन लिया, पहले इससे पहले कोई जा रहा है तो साइकिल छीन ली, ये छीन ली होता। क्राइम रुक ही नहीं रहा, पुलिस जब क्राइम हो जाता है उसके बाद आती है, समय कोई सुनवाई नहीं है। पुलिस अगर लूट होती है, डकैती होती है, बलात्कार होता है, वहाँ नहीं पहुँच पाती। अगर एक किसी का आपस में कुछ थोड़ा सा छोटा मोटा विवाद हो जाता है, वहाँ पहुँच जाती है।